कार्ड। मेरी बात भाई एक सुन आखिरी, ट्रैफिक क्यों है पता है? क्यों है भाई? जेसीबी की खुदाई चल रही है शायद इसी वजह से। अबे वो जेसीबी तेरी समझ गया, फोन काट दे तो पाएगा नहीं, खाम खा चिल्ला रहा गलत आदमी। रेड एफएम बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। सिर्फ दाग नहीं ट्रैफिक भी अच्छे हैं। हेलो 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 अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ। इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना है, थोड़ी मदद तो जाना है तो फिर सर मैं बात करके जिताऊंगा वर्ल्ड कप। बात उसकी नहीं है, देखो बातों से जोश पैदा होता है, जोश से इंसान का होश तगड़ा होता है। टीम तो पागल है क्या? नहीं मैं बउआ हूँ। बउआ तो फिर टीम इंडिया को जोश की जरूरत है, जोश शब्दों से पैदा होता है। अगर आप शब्द अच्छे लिखकर मैसेज भेजेंगे वहाँ टीम सुनेगी, खुश हो जाएगी, मैच जीत जाएगी। भाई साहब मैं क्या करूँगा, मैं लाइनें लिख रहा हूँ, एक लेटर भेजूंगा सोशल मीडिया पे वायरल कराएंगे। आधी लाइनें अच्छा। लिख चुका हूँ, आधी लाइनें जनता से ले रहा हूँ। अच्छा जैसे देखो एक लाइन लिखा, इसको कंप्लीट करो कि बोल, जब बोल। जब कोहली को गुस्सा आता है अच्छा तो वो दूसरी टीम की यही करता है और क्या करता है वो? गलत नहीं बोल रहा है भाई साहब, थोड़ा वेजिटेरियन बोलिए जो लिख के भेजा जा सके। भाई जो चीज को तूने बोला कोहली क्या करेगा, कोहली यही करेगा। क्या करेगा? करेगा उनकी और क्या करेगा। छोड़िए लिख ले, ऐसी कर देगा, ऐसी तैसी कर देगा। तो मतलब भाई जब कोहली को गुस्सा आता है तो सामने वाली टीम की ऐसी तैसी कर देता है। अगला मैं लिख रहा हूँ, अगर इस मैच में भी रोहित शर्मा दोबारा चले गया तो ऑस्ट्रेलिया की फट जाएगी। फिर आप वही कर दीजिए जो आपको नहीं कर रहा है। अरे भाई जो असल में होगा वही बताऊंगा ना तेरे को। लगता है अलग बैठे हैं, माँ बाप के सामने इसी लैंग्वेज में बोलते हैं क्या भाई साहब? सुनिए आराम से बात करो। गले तो मत ना बोल, फोन में घुस के मारूंगा नहीं, खड़ा हो जाऊंगा फिर वापस इधर आ जाऊंगा। तो जिस काम के लिए फोन करा, कराने नहीं करा। चलो ये लिख दिया एक मिनट, रोहित शर्मा अगर इस मैच में चल गया तो ऑस्ट्रेलिया की हार पक्की है, हार पक्की। चलो ये लिख देता हूँ, आपने तो गलत बोल दिया। बुमराह पे आते हैं, बॉलिंग अटैक शुड बी फाइन ऑलवेज बिकॉज द बॉलिंग अटैक इज द की बिकॉज द इंग्लैंड विकेट्स आर फास्ट एंड पेसी। समझ तो आया नहीं तेरे को हिंदी माध्यम? अरे तू नहीं गया साले, तेरे से ज्यादा इंग्लिश आती है। तो नहीं हिंदी में क्या प्रॉब्लम है फिर? अंग्रेजी नहीं आती? नहीं आती भाई साहब। अरे जला जा बयान। सॉरी बुमराह का इसकी बॉल पर, बुमराह की बॉल पर डेविड वार्नर तो क्या नहीं कर पाएगा, नहीं खा सकता भाई वो। झूठा आदमी। एक आखिरी सुन, धोनी पे बात करते हैं कि मैच जीतने के बाद धोनी क्या करता है ना, स्टंप उखाड़ देता है, और जब वो विकेट उखाड़ेगा तो वो विकेट ऑस्ट्रेलिया टीम की और क्या करेगा, पॉइंटिंग की घुसा देगा। पॉइंटिंग होता है क्या? पॉइंटिंग खेल रहा है क्या गरीब इंसान? अरे तो पॉइंटिंग कोच तो है ना उनका। अबे पॉइंटिंग होता है पॉइंटिंग, पॉइंटिंग पॉइंटिंग पेन है मेरे पास। अरे नहीं चलाया, क्यों मार खाया, क्या करूँ इस पेन का? तू ना ऐसा कर, मेरे को मालूम है क्या गलत आदमी। अगर ऐसा नहीं हुआ ना ऑस्ट्रेलिया के साथ, फोन काट दिया। ची ची बोल रहा है 93.5 FM बजाते रहो। खुश रंग अच्छा गाना भाई साहब। हेलो, रात दीवानी है और ये दीवाना है। भैया नमस्ते अंकिल। हेलो, अब अंकल किसको बोल रहा है? नाइस कॉलर ट्यून है, 30 rupees पर मंथ और फ्री है। तो अंकल किसको बोल रहा है, बोल कौन रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। एक मिनट चाहिए था आपसे कि आज क्या है? आज रिजल्ट है आज ना, और क्या उससे पहले आज 23 तारीख है भाई साहब। मुझे पता ही नहीं था। तूने बता दिया, मुझे पता ही नहीं था। तो अब बताओ आज क्या है? आज 23 तारीख है ना, आज गुरुवार। अबे ये बताओ, नहीं अब बताओ आज क्या है? आज गुरुवार। नहीं आज रिजल्ट है। तेरी अब बताओ आज क्या है? आज रिजल्ट है, गुरुवार है, 23 तारीख है। तीनों है, वेरी गुड भाई साहब। अब बताओ जीतेगा कौन चुनाव? अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, कैसे बता मुझे सकता यार? आप तो रिजल्ट का सोच रहे हो, मैं तो चुनाव से पहले जानता था कौन जीतेगा। बता, जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी है ना भाई साहब, वही जीतेगा। मुझे पता ही नहीं है। अब बता, दिमाग खराब मत का, फोन काट। एक आखिरी चीज भाई साहब, एक अब बताओ कौन जीतेगा, जिसकी सीटें ज्यादा होंगी? नहीं मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, वो तो मैच खत्म होने के बाद पता चले। अरे गलत बोल रहे हैं आप। नहीं तो चीची बोल रहे हैं 93.5 FM बजाते रहो बउआ बोले नमस्ते। क्या बात है, चांद किसे डूब आगे, तेरे नाम गिरा दे भैया, खड़ी खड़ी के मैं सर जुत्ता 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 जुत्ता।
गाना भाई। हेलो हेलो। हाँ बड़ा अच्छा गाना है भाई साहब। अच्छा तो कॉपी कर ले। ओ भाई साहब मैं प्रीतम या अनु मलिक दिख रहा हूँ क्या? गाना कॉपी कर लूँ? बात कर रहे हो आप? अबे मेरा मतलब कॉलर ट्यून की बात कर रहा हूँ। प्रीतम अनु तेरी आवाज देखी तो बन भी नहीं सकता बेटा। सॉरी सॉरी मैं कह रहा था। हेलो आप बोल बोल भाई आगे भी बोल ले। अपने आप की लड़ाई तुझे खुद लड़नी है। अपने आप समाज चाहे तुझे कुछ भी बोले, लोग चाहे तुझे कुछ भी बोले, पीपल विल कम एंड गो। भाई क्या हो गया तेरे को? इंसान इंसान का दुश्मन है तो क्या हुआ? तू तो दोस्त बन के रह सकता है लोगों के साथ। जीवन एक जंग है, उसे लड़ना है और जीतना है। अगर रुका और हारा तो लोग तुझे क्या हो गया भाई? भाई साहब सॉरी मैं कह रहा था। हाँ। ये मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, थोड़ा तेज कर रहा हूँ, चाहूँ तो मन में कर सकता हूँ। मन में ही करो और क्या, मेरे को क्या सुना रहा है? मेरे को बात करूंगा तेरे? हैं हैं क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ लोग तुझे रोकेंगे पर रुकना मत, थकना मत। अग्निपथ अग्निपथ। ओहो शांति से बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है बैठा। सॉरी आप गलत बोल रहे भाई साहब। क्या है ना, मैं जब शांति से अकेले में बैठता हूँ ना, मम्मी पापा घर पे है नहीं, तो अकेले बैठते तो मेरे हाथ से, मेरे कूनी से, मेरे नाक से, मेरे पैर से, हर जगह से थोड़ा थोड़ा खून निकलता है। पता है क्यों भाई? अजीब बीमारी है, बता दे क्यों? बीमारी नहीं है, फिर अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है, तो मैं ज्यादा दौड़ नहीं पाता। जो मेरे मन में आता है मैं चिल्ला चिल्ला के खुद से बोलता हूँ। लोग तुझे बोलेंगे मत कर, पर तू वो कर जो तुझे करना है। ये मैं अपने से बोल रहा हूँ, आपसे नहीं बोल रहा। क्या ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? हमें ये मैं अपने से बात कर रहा हूँ। ऐसे नहीं बोल रहा मैं। अच्छा आप भी आपके मन में जो आ रहे खुद को चिल्ला के बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बोल तो तेरे को ही ना हूँ लेकिन अपने मन से बोल रहा हूँ। भाई साहब ये गलत हो गई ना बात, ऐसे थोड़ी गलत हो गई। ये तय थोड़ी हुआ था हमारे बीच में फोन करके। भाई साहब एक सेकंड, लोग होंगे जो तुझे भला बुरा कहेंगे लेकिन सुनना मत। लगता है फोन कट गया। कटा नहीं है, ये तमाचा पड़ा ना गाल पे। कोई तुझे एक तमाचा मारे तो उसे अपना दूसरा गाल दे दियो। तू है तेरे को ले लूंगा। अरे तेरे जूते फेंक ले दे तू मेरा बेदर। अरे जंगल वाली कदर छोड़ के सिर वो भागे। गलत बोल रहे अंकिल, नमस्ते मैं बहुआ बोल रहा हूँ 93.5 रेडियो पे, हम बजाते रहो के बाद। हेलो, अरे रजत बात कर रहे हैं भैया जी? हाँ जी रजत बोल रहा हूँ, बताइए क्या हाल चाल है? बढ़िया, आप कौन? वो संध्या दोस्त है ना आपकी? संध्या कौन? वहाँ पे ब्लॉक में रहती है। तो क्या हो गया? नहीं क्या हो गया की बात नहीं है, मैं वही कंफर्म कर रहा था। अच्छा आप बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी अंकिल, नमस्ते। मेरे को कैसे जानता है? ये सब बता दूंगा, लेकिन कल ना संध्या ने एक डब स्मैश डाला था, एक अच्छा। चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अच्छा। और तूने उसको लाइक किया था, तुम लोग का नीचे चैट चल रहा था, कमेंट पे कमेंट कर रहा था तू। कर रहा था नहीं कर रहा था? हाँ बढ़िया था वो, बताओ। क्या बढ़िया था? ठीक है था, उसने डब स्मैश डाला था। तो तूने कमेंट किया वो बढ़िया था बोल रहे, लेकिन मुद्दा भूल गया तू। कैसे? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश भाई, यही था ना? तुझे पता है एक चुटकी सिंदूर की कीमत? हेलो, अरे मेरे को क्या लेना देना उससे यार? मेरी बात तो सुनना, तू उसके डब स्मैश पे लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, चैट कर रहा है, लेकिन सिंदूर की कीमत तेरे को पता है? हाँ 5 रुपए। कर दी ना औकात की बात, 5 रुपए। एक गलत मैं बता रहा हूँ, सिंदूर की कीमत 72,000 रुपए होती है, पूछ कैसे? गलत मत बोल, सुन लेना पहले, सिंदूर 72,000। बताऊँ, सिंदूर लगाने के बाद एक आदमी एक औरत से शादी कर लेता है। अच्छा। फिर उसके बाद हेलो जोड़ना चालू कर दे, राशन का 12,000, बिजली का 3,000, पानी का 1,500, बच्चों का स्कूल फीस 12,000, बच्चों का ट्यूशन फीस 25,000, मकान का किराया 10,000, मोबाइल बिल 800, मेडिसिन 2,000, पेट्रोल 3,000, बाकी का खर्चा 7,500। ये मिला के 72,000, सिंदूर की कीमत 72,000, 5 रुपए, औकात के हिसाब से बात करता है तू। अरे जबान ने ले रहा 5 रुपए की। यहाँ पे फोन में कट करने का बटन नहीं है, तू कट कर देना, मेरे को बोल रहा चाहे कट दिया अब। 5 रुपए बोल रहा है 93.5 रेड एफएम में, बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो अंकिल। हेलो 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 जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते बेटे।
बाप लग रहे हो क्या? बेटे बोल रहे हो? साले झापड़ मार अंकल बोल रहा है। सॉरी, चुनाव हो गया। अच्छा। लोग जीते नहीं जीते, सरकारें बनी नहीं बनी, एक दिक्कत मुझे है। दिक्कत क्या? क्या दिक्कत है मुझे? दिक्कत दिक्कत साले दिक्कत। कैसे वापस बोले 2 रुपए का? दिक्कत साले दिक्कत होती, दिक्कत नहीं होती। सॉरी, क्या फंस रहा फंस नहीं रहा, नुकता वो जो फंस रहा है वो नुकता है। आगे तो दिक्कत जो है वो ये है मुझे कि जब चुनाव में वोटिंग करते हैं लोग तो स्याही लगती है। स्याही लगती है कहाँ? लगती है इंक उंगली पे लगती है और कहाँ लगती है? गलत जगह लगती है भाई साहब। क्यों? वहाँ नहीं लगनी चाहिए। वहाँ लगनी चाहिए। देखो हाथ तो लोगों के वैसे ही काले हैं, उनके कर्म ऐसे हैं, तो हाथ पे और काली स्याही लगा के फायदा क्या? फिर मैंने सोचा उंगली पे नहीं लगी तो कहाँ लगेगी? फेफड़े पे। फेफड़े वैसे ही गलत धुआं खींच खींच के काले हुए हैं। अच्छा, हाँ, हाँ, फिर मैंने सोचा क्या पाँव में लगा दें? लेकिन फिर पाँव में लगेगा तो लोग बोलेंगे अरे तुमने वोट दिया। बोले हाँ दिया है, देखो पाँव। तो किसी को पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए ना भाई साहब। हाँ, पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए। तो कहाँ लगे? पीठ पे लगा दे भाई साहब। पीठ तो कायर दिखाते हैं, पीठ पे भी कैसे लगाएंगे? अब पेट पे लगा दे भाई साहब। पेट भरना होता है, काला नहीं कटना होता है, ठीक है? मुंह पे लगा दे भाई साहब। फिर लोग कहेंगे देख तेरा मुंह काला हो गया भाई साहब, ऐसे थोड़ी होता है। अबे साले काला लगाएगा तू? एक जगह ऐसा मत बोलिए। नाक पे लगा दे, वो कटनी होती है, काली नहीं कटनी होती भाई साहब, नाक कटती है। अब बोलोगे दांत पे लगा दे। दांत पे लगते? दांत पीले अच्छे लगते हैं, काले नहीं भाई साहब। साले कहीं लगने देगा तू? होंठ पे भी नहीं लगाना चाहिए क्यों? सिगरेट पी पी के वैसे ही लोगों ने काले कटे रखे हैं। अबे तू है क्या? मैं बहुआ है तो कहीं लगने देगा? गलत क्या बोल रहे भाई साहब? अबे एक चीज बच गई। ठीक चीची मत बोल, कौन सी चीज बची है? अबे वही। गलत नहीं भाई साहब, प्लीज मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, प्लीज। साले सुन तो ले। नहीं बोलने दूंगा गंदा। सुन तो ले। हाँ कहाँ पे सही? मन में, मन में। ओ मन पे इंक लगाओ, वोट दो और मन पे इंक। भाई भाई साहब मेरे को तो लगा आप। तुझे क्या लगा, मैं भी बोल रहा हूँ। जी गलत आदमी, मन पे भी नहीं लग सकती सही, क्योंकि मन भी लोगों का काला है। तो साले वाले अपने। गलत बोल रहे हैं जी, गलत आदमी। आगे वही आगे बैठ फोन रहे जी। जी बोल रहे हैं 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, वोट देना जरूरी है सही, चाहे जहाँ भी लगे, है ना भाई साहब? हेलो हेलो बे कौन है? हेलो काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो बे कौन है? हेलो पागल का बच्चा, पता नहीं पागल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो तेरी जान ले दूंगा मैं, है कौन तू? सॉरी। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रही हूँ। मैं कह रहे थे जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो पहले से? एक सेकेंड, ये जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए इस मच्छर को। साले मच्छर तू खुद बोल रहे, मुंह पे झापड़ दूंगा, समझ गया ना? सॉरी मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना, हाँ, तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं भी? एक से नहीं बता, मैं बता रहा हूँ। फिर आप अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर परिवार वाले देखने आएंगे। अच्छा। फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी, ठीक है? और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ इनको नहीं हुआ, फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं?
साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ूंगा ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं का। ए पागल नहीं साले, वहीं आके तेरी तोड़। चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बहुआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो, ये नहीं होना चाहिए था पापा। क्या नहीं होना चाहिए था? तुम इलेक्शन जीत गए, ये बहुत गलत हुआ। तो हारूं? मार जाए ना, पैसा लगाया है बाप ने, मार जाए। हेलो अंकिल नमस्ते। कौन बोल रहा है? बोल नहीं पहले तो रो रहे हो। अरे बोल, कौन रहा है? दोर हो रहे, कौन बोल रहा है? बहुआ बोल रहे। बहुआ? हाँ बहुआ बोल। मेरा बाप? हाँ। जिसका नाम ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर है। क्या नाम है? ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। ये कौन सा बाप? सुंदर लाल चड्ढा। अच्छा सुंदर लाल चड्ढा। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। अबे ओए हेलो जल्दी बोल, टाइम नहीं है मेरे पे यार। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। एक सेकंड, ये इलेक्शन में खड़ा था और जीत गया और इसी के वजह से मेरा घर बार उजड़ रहा है। उजड़ रहा है? हाँ। इसके वजह से मेरी माँ कभी दादी नहीं बन सकती अब। ऐसा हुआ क्या? मेरी शादी रुक गई है, ये हुआ। न शादी होगी न मेरी माँ दादी बन पाएगी। पहले रोना बंद कर और ये बता तेरा बाप खड़ा कहाँ से हुआ, सीधे सीधे बता, नहीं तो मैं फोन काट। नहीं सॉरी एक सेकंड, ठीक है मैं बिना रोए बताया। मेरा बाप रोहिणी, एक जगह ना रोहिणी। हाँ रोहिणी। उसके पीछे एक जगह कोई नहीं। अब क्या पागल है क्या? वहीं से खड़े हो। एक सेकंड। हाँ। मेरे बाद इस घर का कोई चिराग ही नहीं होगा, मेरी माँ दादी कैसे बनेगी? तेरी शादी का और तेरी माँ की दादी बनने का क्या क्या लेन देन है? एक सेकंड, अपनी जीप के आगे फूल माला गले में लटकाए हुए इतने चिल्ला चिल्ला के पूरी जनता से बार बार कहा घूम घूम के कि मुझे बहुमत दो। क्या बहुमत दो? तीसरी बार बहुमत दो। क्या सुना इसका मतलब क्या है? बहु मत दो। हाँ इसलिए शादी नहीं होगी ना मेरी माँ दादी बने। गंदा बोला। नहीं मार, क्यों मार? इसके वजह से मेरा घर का, मेरी माँ दादी और मेरी शादी, क्योंकि इसने बोला था बहू मत दो। हेलो सर, आप सो तो नहीं रहे? कहाँ बोला? मैं बहुआ भैया। भाई मैं सो रहा हूँ, पहचानता नहीं तेरे को मैं। एक हेलो भाई साहब। हेलो एक हेलो। हेलो भाई साहब, सिग्नल में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फोन कट गया था। काटा था मैंने। अरे सॉरी, मैं कह रहा हूँ जल्दी बोल। धड़ाधड़ लोग पैदा हुए जा रहे हैं, धड़ाधड़ आप नींद बना रहे हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है आज। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? मैंने सोचा आपको फोन लगा के एक इम्पोर्टेंट चीज बताऊँ। एक मिनट लगूंगा, बस एक मिनट। 125 करोड़ सपोज अपना पॉपुलेशन है, उसमें से 25 करोड़ लोग रिटायर्ड हो गए, बचे 100 करोड़। उसमें से 30 करोड़ लोग समझ ले स्कूल में है, बच्चे हैं, बचे 70 करोड़। अब है निकल लिए? नहीं नहीं बोल। 70 में से 35 लोग एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के, उन 35 में से गए तो बचे 35। उन 35 में से सपोज 5 करोड़ जवान हैं जिन्हें हमारे सलाम है, उनकी क्या ही बात करें। बचे 30 करोड़, सुन तो। फिर इन 30 में से सपोज 10 करोड़ बेरोजगार हैं, बचे 20 करोड़। अब कुछ लोग तो बीमार होंगे ही, 20 में से गए 5, बचे 15 करोड़। आप हैं ना लाइन पे? अरे भाई जल्दी बताया। एक सॉरी, हाँ 5 करोड़ बीमार, बचे 15 करोड़। 15 में से 10 करोड़ लोग तो कम से कम आज से छुट्टी पे होंगे, बचे 5 करोड़। उसमें से 4 करोड़ लोग देश से बाहर ट्रेवल कर रहे होंगे सपोज, जिनमें से 1 हमारे पीएम सर भी हैं, तो बचे 1 करोड़। अब एक रिसर्च के हिसाब से भाई साहब, 99,99,998 लोग, हेलो, हाँ बोल, जेल में हैं। हाँ तो जेल में अब कितने बचे हैं? अब बचे 2 लोग। दो कौन? तू और मैं। और हाँ। देख हम दोनों में से, तू भी कितना फालतू आदमी, कोई फोन करके बोल रहा है और तू लगातार बात करते जा रहे। यानी एक सिर्फ मैं हूँ जो काम कर रहा हूँ पूरे देश में, इतना पॉपुलेशन, ओनली आई एम वर्किंग। बस गलत नहीं बोलना है, तेरी कुछ नहीं। हेलो भैया जी नमस्ते। कौन? कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी, नमस्कार। कहाँ फोन मिलाया तूने? हाँ आप, मैं कह रहा था इंसान को ना, हाँ
जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए दूसरों के लिए कि नहीं करना चाहिए? तूने फोन कहाँ मिलाया गलत बोल रहे, जीजी बोल रहे, कह रहा था इंसान को जिंदगी में दूसरे के काम आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा लोगों को बताऊंगा। कई लोगों का फोन लगा रहा था, उनका नहीं उठा, शायद ड्राइव कर रहे होंगे। आपका शायद उठ गया क्योंकि आपकी आवाज से लग रहा है आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं। कल तो 10 गाड़ियां हैं ऐसे। सॉरी, सुन तो लीजिए, किसी के काम आने चाहिए जिंदगी में। मैं आपको तीन चीज बता रहा हूँ, तीन चीज कर सकते हैं आप किसी के बड़ी मदद कर। सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड हाँ है, पता इतना सोच के बता रहे, आवाज से तो लग नहीं रहा गाड़ी और गर्लफ्रेंड। क्यों, तेरी हो सकती है? एक सेकंड रुकिए, मैं कह रहा था गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, ये अच्छा काम है। क्यों छोड़ दो? क्योंकि गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती है कि नहीं? हाँ पीती है, और गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती। गर्लफ्रेंड छोड़ोगे तो खून बचेगा, खून बचेगा तो खून किसी को डोनेट करोगे, डोनेट करोगे तो किसी की बड़ी मदद है। हाँ या ना? हाँ। अब थोड़ा शांत हुआ है। दूसरा, आप नौकरी छोड़ दो, बताओ कैसे? तो नौकरी छोड़ दो तो कौन तेरा बाप खिलाएगा मुझे घर पे खाना? नहीं, ये बच्चों को कौन खिलाएगा? एक सेकंड, नौकरी छोड़ने से, क्योंकि नौकरी में सबसे ज्यादा खून कौन पीता है? बॉस पीता है। बॉस उसका स्पीकर होता है पगले, सॉरी आवाज से तो औकात नहीं उतना स्पीकर का। हेलो, अबे तुम्हें और कोई काम नहीं। बॉस खून पीता है राइट, तो अगर नौकरी छोड़ोगे तो खून बचेगा, फिर वो खून आप डोनेट कर सकते हो, किसी की मदद होगी, है ना? हाँ कि ना? हाँ। तीसरा सुन ले। हाँ बोल। तीसरा, गंदगी फैलाओ, खूब गंदगी फैलाओ। अबे तेरी में गंदगी नहीं फैलाऊं। एक सेकंड सुन तो ले। क्यों? क्यों? क्योंकि गंदगी फैलाने से मच्छर होंगे और वो मच्छर आपका खून पिएंगे। कम से कम आप मच्छरों को तो खून दोगे। साले मच्छरों को कौन खून देता है? देखा, यही पॉइंट की बात है। मच्छर तुझसे बिना पूछे खून ले जाते, और यहाँ आदमी को खून चाहिए होता है फिर भी डोनेट नहीं कर। तूने किया कभी डोनेट? लेकिन तू खुद से ब्लड डोनेट नहीं कर सकता किसी की जान बचा से? करना है नहीं करना ब्लड डोनेट? करूंगा भाई, करूंगा भाई। बिकॉज लो अभिज्ञान की बात सुन, यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स, जस्ट डोनेट ब्लड। ये था हैशटैग सोशल संदेश 93.5 रेड एफएम बहुआ के साथ, बजाते रहो। अंकिल नमस्कार। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? बाप लग रहे हो? कौन बोल रहा है? बेटा बोल रहे हो? कौन है? बाप बेटा कर रहा है। सॉरी मैं बहुआ, एक मिनट चाहिए आपसे। जनसंख्या वाले जो काउंट करते हैं पॉपुलेशन भारत की, भाई साहब मुझे लगता है उसमें थोड़ी गड़बड़ी है, पता है क्यों? क्या हो गया? ऐसे क्या है ना कि वो लोग काउंट करते हैं, घर पे जाके पूछते हैं कि आप कितने मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं। घर पे आए थे। तो मैं बता रहा हूँ गड़बड़ कैसे हो गई। कई सारे लड़का लड़की बाहर घूमते हैं, वो घर पे नहीं मिलते। जैसे वो लगे होते हैं आपस में। नहीं सुनो तो, वो गाने में भी लगे होते हैं, तो हम गाने वाले लड़का लड़की काउंट कर रहे हैं। हम सोचे आपसे भी मदद ले लें, अगर आप बता दें कि कितने लड़का लड़की हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये गाना सुनिए, इसमें बताइए कितने लड़का लड़की हैं। लड़की बड़ी अनजानी है, लड़का बड़ा अनजानी। हाँ भाई साहब, एक लड़का एक लड़की। बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या ये एक सेकंड रुकिए, अब इसमें बताइए कितने हैं। तुम लड़की हो, मैं लड़का। एक लड़की एक लड़का। अब इसका बता तो, एक सेकंड रुकिए मैं तो, एक लड़की एक लड़का यानी कुल मिला के दो लड़की दो लड़का। अब इसका सुन लो, इसमें भी बता दो कितने हैं। हेलो, दो लड़के और एक लड़की। कितने लड़के? दो लड़के एक लड़की। नहीं, एक मिनट वापस सुनते। एक लड़का अब एक लड़का एक लड़की, तो टोटल कितने हो गए? तीन लड़का और तीन लड़की। अबे दो लड़के एक लड़की बोला इसने। अरे पुराना वाला भी काउंट करोगे ना चाचा? अबे क्या ये पागल पंजे। एक सेकंड रुको। अच्छा फाइनली भाई, ये सब एक सेकंड, अब फाइनली इसमें बता दो। बोल नहीं रहे बाबा। एक लड़का एक लड़की। फिर सुनो। एक दो सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। भाई कितने बच्चों का क्या है?
अब पूरे हिंदुस्तान के किनारे गलत कह रहे हैं आप, काउंट करनी है, जी जी बोल रहे हैं, क्या तू पागल है, गलत बोल रहा है, प्रकीय बात ही नहीं करनी आपसे, फोन तू रहा गंदा आदमी। 93.5 FM बजाते रहो, कितने होगा काउंट करो। दोनों पागल हो गए। हेलो 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 अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटे, बाप लग रहे हो क्या बेटे, बोल रहे हो अंकल जी तो कोई बोल रहा है। सॉरी बउआ बोल रहे हो, आपसे एक मिनट चाहिए था। बोलो जल्दी बोलो। पेन होता है ना, पेन कलम। हाँ हाँ कलम होती है, पेन होता है। रखा है आपने अपने पास की नहीं? नहीं नहीं मेरे पास नहीं है। ओहो भाई साहब गड़बड़ हो सकता है, प्लीज। क्या गड़बड़ होगी? नहीं देखो मेरे एक दोस्त के साथ ना पेन न रखने की वजह से गड़बड़ हो गया। अब देखो वो ऑफिस में बैठा था, बॉस आया उसका, उसको बोला कि एक नंबर नोट कर, तुरंत उसने मोबाइल निकाल लिया नंबर नोट करने के लिए। आज का मोबाइल का टाइम है, पेन कौन रख रहा है मोबाइल में? सुन तो लेना, मोबाइल बोल रहा है वही तो लफड़ा हो गया उसके साथ। तो अच्छा। उसने मोबाइल निकाला तो बॉस ने बोला हमारे ऑफिस में मोबाइल अलाउड नहीं है। बस बॉस भड़क गया वो देख कर, उसको 4 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया भाई साहब। आगे सुनो, पेन के वजह से वो सस्पेंड हो गया, फिर गया वो बेचारा, दिमाग खराब हो गया उसका, 4 दिन तक क्या करूं, चला गया ठेके पर शराब पीने भाई। अच्छा, पिया तो दिमाग खराब होगा तो शराब पिएगा। सुन तो, फिर पिया तो फिर गाड़ी चलाने लगा, फिर ड्रंकन ड्राइव के केस में पुलिस ने पकड़ लिया। फिर ले गए उसको पुलिस स्टेशन, उसने अपने दोस्त वकील को फोन किया कि जल्दी आ जा, वहाँ पे पुलिस के साथ आर्ग्यूमेंट हुई, वकील भागता हुआ उसके जमानत के पेपर ले आया भाई साहब। फिर बोला जल्दी साइन कर दे, साइन कैसे करे अगला, उसके पास पेन ही नहीं है, मोबाइल से साइन करेगा क्या? ये तो बिल्कुल पते की बाल बोली बेटा, बाल पते की बाल बोली, सुनिए। फिर उसके बाद उसको अंदर जाना पड़ा, पेन नहीं, देखो 1 महीना उसको जेल में काटना पड़े, जमानत नहीं हुआ उसका। फिर जब वो जेल से बाहर निकला उसको एक सबक मिला कि जिंदगी में कुछ होना हो मेरे पास पेन होना, पेन क्योंकि पेन नहीं होगा तो पेन होगा, PAIN वाला पेन, ठीक है। तो फिर फिर वो पेन की दुकान पे गया, उसने एक पेन मांगा उससे, अगले ने उसको पेन दे भी दिया। उसने बोला कितना रुपया, बोला कि 25 रुपए, 25 रुपए दे दिए। उसने बोला पेन चलती है, बोला हाँ, बोला खाली कागज दो। उसने खाली कागज पे अपना साइन करके देखा, फिर खाली कागज पे साइन करके जैसे दुकानदार को दिया, दुकानदार का दिमाग ठनका, उसने बोला इसने तो खाली पेपर पे साइन कर दिया, उसने उसकी जायदाद अपने नाम लिखवा ली क्योंकि खाली है। भाई सुनिए, तू पागल है क्या? फिर उसको गुस्सा आ गई कि मेरी जायदाद लिखवा लिया, उसने वही पेन लेकर उसकी हाँ भाई साहब यही किया उसने। और जब उसने ये किया खूनम खून हो गया, पुलिस आई, पुलिस फिर उसको पकड़ के ले गई, उसके खिलाफ फिर केस दायर किया गया, उसने फिर वकील को बुलाया, वकील को बुलाया, वकील पेपर लेके आया, पेन नहीं ला पाया, उसने बोला इस पे साइन कर दी जमानत हो जाएगी, लेकिन साइन कहाँ से करता, पेन तो उसने, पेन तो उस दुकानदार की दे दिया। भाई साहब गंदा मत बोलिए, आप गंदा बोल रहे, चीची 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, अगर नहीं रखोगे पेन तो मिल सकता है पेन। उगवाए हेलो हेलो जी, कौन? नमस्कार जी अंकिल। नमस्कार, कौन बेटा? मैं बउआ बोल रहा था। कौन बउआ? बुआ नहीं, फूफा जी की है बुआ, तो मैं बउआ, बउआ निकाल बउआ। हाँ बोलो बेटा। हाँ जी, मैं कह रहा था क्या आप मोदी जी के साथ हैं? जी बिल्कुल मोदी जी के साथ हैं। तू किसके साथ है? मैं तो मम्मी के साथ हूँ घर पे। अबे कैसे नहीं पूछ रहा मैं? सॉरी सॉरी नहीं, अगर साथ में है तो बात करा दीजिए मोदी जी से, साथ में है। कह रहा था आजकल के बच्चों से पंगा ना लेने का। तू क्या करेगा? हाँ मतलब आज जैसे आज सुबह सुबह मैंने एक लौंडे को पूछ लिया, स्कूल ड्रेस पहन के जा रहा था। मैंने पूछा स्कूल जा रहे हो क्या भाई? हाँ। कहता है तो तेरे टाइम पे तेरा बाप स्कूल ड्रेस पहना के हनीमून पे भेजता था। अरे बात तो सही बोल रहा है, तू बात कर रहा है। बात क्या, मैं पूछेगा नहीं आदमी स्कूल जा रहे कि नहीं बेटा? तू क्या हनीमून पे जाता था? एक सेकंड, नहीं सुनो, बात सुनो मेरी, इसके अलावा मैं सुना रहा हूँ, सुनो। प्रैक्टिकल हो रहा था, प्रैक्टिकल। अच्छा, जहाँ पे टीचर ने एक चूहे को एक पिंजरे में रखा। अच्छा। दूसरे पिंजरे में रोटी रखी। अच्छा, एक तरफ, और दूसरी तरफ एक चूहिया रखी।
अच्छा तो चूहा ना रोटी की तरफ गया, चूहिया की तरफ नहीं। अच्छा अच्छा। फिर ना रोटी हटा के केक रख दिया। अच्छा, दूसरी तरफ चूहिया थी। अच्छा। फिर चूहे ने वापस से केक की तरफ गया, चूहिया की तरफ नहीं। अच्छा, इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है खाना इम्पोर्टेंट है लड़की में, खाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, और क्या हो सकता है, उसको चूहिया भी बदलनी चाहिए ना, हो सकता है वो चूहिया उसकी बहन हो। एक आखिरी सुनो, बहुत जिद्दी, एक मिनट, एक मुर्गा था बहुत जिद्दी था, है उसने पप्पू को बहुत परेशान कर दिया था। अच्छा। पप्पू ने तंग आके उसको टोकरी में बंद कर दिया, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, पीछे से निकल गया। फिर पप्पू को गुस्सा आया, उसने मुर्गे को पिंजरे में बंद कर दिया, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, पीछे से निकल गया। फिर पप्पू को बहुत गुस्सा आया, उसने उस मुर्गे को पका के खा लिया। हेलो, लेकिन लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था। हेलो, अरे पागल। हेलो। Hello. Oh, very strong voice, I must say. Hello. Yeah, style also. कौन? नमस्ते जी, बहुआ बोल रहे हो अंकिल। बहुआ कौन? मैं कौन? वो आप जाने, आप कौन? अरे तो वही तो पूछ रहा हूँ, फोन क्यों करा है? फोन इसलिए, एक मिनट आपसे चाहिए। मैं कह रहा था इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल हुआ है आधा, क्योंकि बारिश ने लाई है बाधा। बताओ आधा बाधा कौन बाधा? भैया ये बताना। सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ, ये मैच बरसात के होने के बावजूद भी हो सकता था, बताऊँ कैसे? कैसे? एक टीम है हिंदुस्तानी और दूसरी टीम है न्यूजीलैंडी। न्यूजीलैंडी? हाँ। कहाँ से नाम निकाल रहा है न्यूजीलैंडी? क्या एक सेकंड, उनकी न्यूजीलैंडी टीम में है रॉस टेलर, उसके वजह से ये मैच में बाधा हुई। वो चाहता तो हेल्प कर सकता था हमारी, पूछो कैसे? कैसे? वो अगर क्रिकेट छोड़ के अपना ओरिजिनल सरनेम से जस्टिफाइड काम करता, यानी टेलर होते अगर वो भाई साहब प्रैक्टिकली, तो एक बड़ा सा तरपाल सिल देते जो हम ऊपर ऐसे बिछा देते, जितनी बरसात होती उससे पानी ढड़क के नीचे गिर जाता बाहर के साइड ग्राउंड पे। भाई कहां, मतलब गलत बोल रहे हैं आप। क्या चाहता है तुम उससे? वैसे अगर वो टीम में है तो अच्छा भी है, पता है क्यों? कैसे? क्योंकि अगर उनकी टीम हार गई, यानी अगर न्यूजीलैंड की टीम हार गई तो फिर उनकी फटेगी। फटनी भी चाहिए, अच्छी से फटनी चाहिए। तो फिर सिलने के लिए रॉस टेलर साहब तो ही, मतलब मैं ये क्या है कि नहीं भाई साहब? देख सुन, पहले मेरी बात सुन। ऐसा है, अब सबसे पहले तो मैं तेरी फाड़ूंगा। क्यों? और फिर रॉस टेलर को बुलवा के पहले तेरी सिलवाऊंगा, फिर और दिमाग मेरा खराब करियो ना, दोबारा फोन करियो भाई साहब। रॉस टेलर भी सिल नहीं पाएगा। गलत इंसान है आप। बात कर रहे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल। नमस्ते बहुआ बोल रहे हो, इंडिया मैच जीतेगा। हेलो। नमस्ते अंकिल, एक सेकंड। अरे ये क्यों नहीं घसक रहा है? क्या नंबर मिलाया जी? बहुआ बोल रहे हो, एक मिनट, कोई खटिया है बेडरूम से हॉल में? कैसे बात कैसे करनी है बेटा? अच्छा नहीं, देखो गोविंदा का नंबर है आपके पास? गोविंदा या करिश्मा कपूर? नहीं तो पागल है क्या? तो उनका नंबर क्यों चाहिए? बोल तो जाऊँ कि मेरे को ना बेडरूम से हॉल में ले जाना है, खटिया। वो लोग धक्का मारेंगे तेरे साथ आके? नहीं धक्का नहीं मारेंगे, कम से कम सरकार तो सकते हैं खटिया। वो क्यों सरकाएंगे भाई? क्योंकि उनने जब जाना था तब सरकाया था। अच्छा सुन, नहीं अरे क्या, नमस्ते नमस्ते, दिमाग खराब कर रखा है यार क्या? अबे मैं कह रहा हूँ बोल, क्या हुआ? मम्मी ने बहुत मारा। हाँ तेरे जैसी तेरी हरकत है, तू मार खाने वाली काम है तेरे। आश्क में हुआ है। हाँ क्यों मारा भाई? यार खटिया सड़काना था ना, तो फिर सरका लेता। नहीं उसके वजह से मैंने दीदी का बाल काट दिए। क्या? खटिया सड़काना था ना, तो बाल से क्या करता फिर? नहीं सर, मेरे को लगा सड़केगी। ऐसे कैसे सरकेगी? क्योंकि देखो एडी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है ना, तो हेलो। अबे तू नहीं सुनिए, इसलिए मैंने एक सेकंड, इसलिए मैंने उनकी चोटी काट के एडी के पास बांध ली, लेकिन मम्मी ने बहुत मारा और खटिया भी नहीं सड़क रही है। अबे साले तू यहाँ पृथ्वी पे कैसे आ गया? साले तेरा मंदिर बनना चाहिए, नारियल मारो चढ़े ना तो तेरे। गंदा बोलिए आप।
बच्चा बोल रहा है बहन की चोटी काट ली तने है और एडी सरकाने के लिए साला पता तो जा रहा हूँ अभी हिमालय जा रहा हूँ मैं। क्यों जा रहा? खटिया सेट करने। हिमालय जाने से कैसे फरकेगी खटिया? देखो इस चोटी से काम नहीं हुआ, हो सकता हिमालय की चोटी से एडी लगाऊंगा तो खटिया तेरी नहीं। दलेर जी ने आज फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे नेताजी लोग बहुत ज्यादा भाषण देंगे अपने अपने इलाकों में जाकर, और इसी भाषण पर बउआ बनकर हमने क्या मस्ती करी ये सुनते हैं। रास्ते की गलियां और आपकी नालियां। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते। कौन? शहरों के नाम जाने। मैं बउआ बन गया हूँ। आगे देश की तरक्की। यहाँ नेताजी का भाषण चल रहा है। की तरक्की। कौन थे नेताजी का, तो मैं क्या करूँ इसमें? देखिए बढ़ते जाइए नेताजी। एक सेकंड रुकिए, मैं फोन पे हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ भाई साहब? मैं कह रहा हूँ नेताजी ना जनता को संबोधित कर रहे हैं। हाँ तो मैं आपसे नेताजी जी एक सेकंड, हमें राशन चाहिए। राशन दे रहा हूँ। राशन भाषण चल रहा है। राशन मांग रहा, पागल हो गया क्या? देख यही तो बोल रहा हूँ। अरे तू मेरे से बात कर रहा है, नेताजी से बात कर रहा है भाई साहब? मैं कह रहा हूँ मेरे इलाके में नेताजी भाषण दे रहे हैं, तू अगर आज मेरी मदद करेगा तो कल तेरे इलाके में कोई तकलीफ होगी तो मैं आ जाऊंगा। एक सेकंड रुक जा नेताजी, 10 दिन से बिजली नहीं आ रही है। रुको 10 दिन और रुको। क्या आ जाएगी? नहीं, आदत पड़ जाएगी। तालियां। देख अरे क्या चल रहा है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता। गलत बोल रहे हैं नेताजी। तो सही क्या बता दे? सही ये है कि दूध का जला दूध को ठंडा करके पिएगा, अगर छाछ ही पीना होता तो डायरेक्टली छाछ पीता ना। कहाँ है मेरा दायां हाथ? जनता को गुमराह कर दे। आज आपको बता दूं क्या कि हमें कभी भी नारी को अबला नहीं कहना चाहिए। तो बला कहो फिर, देखो क्या हासिल होगा आपका। इसको लेकर जाओ ना यार। देखो जो आदमी हवा में थूकता है थूक पलट कर उनके मुंह पर ही गिरता है। अच्छा ऊपर देख के थूकेंगे तो मुंह पे गिरेगा? सीधा मुंह पे गिरेगा। मैं ऊपर देख के थूकूंगा और फिर फट से भज लूंगा। दायां हाथ। क्या दायां हाथ? मेरा दायां हाथ है। एक सेकंड, दायां हाथ आ गया। दायां हाथ? हाँ जी मैं दायां हाथ। दायां हाथ है? दायां हाथ। अच्छा वो बाएं नहीं है? क्यों? फिर पोटी कटने के बाद तो आपको करवा देते हैं। तोड़ के भी तेरा दे दूंगा। गंदा बोल रहा है ये जी। ये क्या बस? ओके रख दिया भाई। अवनीत ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कहती हैं कि जब तक इंसान जीवन में ठोकर नहीं खाता तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसी में बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते। कौन जी? बउआ बोल रहा हूँ। बताओ क्या काम है? कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी तो सही चल रही है जी। आपके पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम दयाशंकर है। दयाशंकर? ये दयाशंकर की वजह से तेरी जिंदगी चल रही है वरना नहीं चलती। अरे बाप रे मज्जा। दयाशंकर की वजह से ही तू पैदा भी हुआ है वरना खुद से थोड़ी पैदा हो गया। तू क्या खुद पैदा हुआ है? नहीं हमारे ना नासा में जानकारी है। तो नासा से आया? सॉरी। तो मैं कह रहा हूँ कि इंसान की लाइफ तभी सेट होती है जब वो जब उसकी लात पड़ती है। नहीं मतलब मैं आपका पर्सनल नहीं पूछ रहा हूँ, लोगों का पूछ रहा हूँ। अबे तू नहीं आदमी क्या खाता है तब आगे बढ़ता है। ठोकर खाता है? ठोकर। फैंटास्टिक। तो ठोकर खाना तो एक बात है, पर कोई भी चीज खाने के लिए बनानी भी पड़ती है। अबे तू पागल है क्या? नहीं एक सेकंड, मेरे साथ एक ऐसे इंसान है जिन्होंने आज तक सबसे ज्यादा ठोकरें खाई है। भाई साहब आपका स्वागत है। सत श्री अकाल जी। मैं आज तक जी अपना 350 ठोकर खा लिया मैंने। 350 ठोकरें खाकर आज भी मेरे सामने एक जीता जागता उदाहरण है। हमारा जी खानदानी काम है, हमारा 1975 में मेरे बुआ जी ने पहले खेती शुरू की थी ठोकर की। ठोकर की खेती? ठोकर उगाई है आप लोगों ने? जी पहले चकोर ठोकर आती थी। ये फोन पे दयाशंकर का लड़का है तो ये जानना चाहते ठोकर बनती कैसे? ठोकर बनी कैसे? तेरे को सब बता दूं, हम सड़क पे आ जाए, हमारा धंधा है ना, तेरे को ठोकर बनानी। दयाशंकर का लड़का? तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? से बोल रहा हूँ अमित से। दयाशंकर? श्री दयाशंकर बोल दो ना। श्री श्रू मतलब क्या काम है बता जल्दी। हाँ जी। आज कल लड़के इज्जत देना नहीं चाहते बाप को, हम क्या करें? ओए दया के लड़के दरवाजा तोड़ दिए। मेरी गाल सुन ले एक बार ध्यान से। एक मिनट, अब हम बताएंगे लोगों को कि ठोकर खाने के लिए क्या पहनना पड़ेगा। ठोकर बनाने के लिए सबसे पहले आप एक विचार ले लें। विचार ले लिया? उसको एक अमली जामा पहना दे। अमली जामा? तू अपने एक अमली जामा पहन लिया। पहनाने के बाद जामा खुला रखो। ठीक है। क्योंकि उसमें पैर उलझेगा। ठीक है। एक बंदा थले डिग जाएगा, नीचे गिर जाएगा और फिर ठोकर लग जाएगी, गिर जाएगी। लगनी नहीं है ना, खानी है ना। तो तुम दोनों साइड कमली जामा अपनी हेलो कमली नहीं, वो तो कमली है। मैं कमली, मैं दया से तेरी कंप्लेन करूंगा, वो दरवाजे के साथ साथ तेरे दांत भी तोड़ेगा। बस कर।
शारिक भाई ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे कुछ गाने ऐसे हैं बॉलीवुड के जो आज तक कभी समझ में नहीं आए हैं, क्या बउआ बन के उन गानों का मतलब पता लगा सकते हो? रौनक भाई ये सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन जी? मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? गला थोड़ा बैठा है, आप ही से बात करनी है। हाँ, मैं संगीत का एग्जाम लिख रहा हूँ। हाँ, कुछ ऐसे गाने आए हैं हाँ, जिनका मतलब पूछा है। उस गाने में क्या भाव है हाँ, कौन सा अलंकार उपयोग में लाया गया है हाँ, ये सब पूछा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ हाँ, कजरा अमर चित्र कथा सुना दो। हाँ कजरा, पूछे थे, सॉरी। तो ये गाना सुनिए, इसमें बताइए कि आखिर लिखने वाला क्या कह रहा है। बताना क्या है? बताना, वो बोलते ए आए आओ आए आए, क्या है मतलब इस? हाँ, इसको मतलब क्या है? वो गाना गा रहा है, खुश है तो ए आए आओ कर रहा है। अच्छा, खुश है इसलिए खुशी में कट रहा है। तो मैं लिखूं क्या आंसर में? क्या लिखूं मैं कि वो खुशी में कट रहा है? अरे हमारा दिमाग नहीं खा दो, दो मिनट फोन नहीं काट। भैया मानने की क्या बात, आप खुद ही नहीं संगीत का पेपर दे रहा हूँ। हेलो, हम क्या पूछ रहे हैं करके संगीत में जो संगीत क्या है क्या नहीं है? क्या नहीं है, सुनिए एक और गाना है हाँ। इसका बताइए कि कैसे क्या लिखूँ, मतलब प्लीज। क्या बताऊँ? प्लीज हाँ, इसमें हाँ। इसमें कितना कुकु है और छोटा कु कितना है, बड़ा कु कितना है? अबे यार तुम कुकु कुकु ये सब कहे बाप से पूछो। नहीं गंदा नहीं हाँ हाँ, एक सेकंड आखिरी गाने देखो तो। हेलो, नहीं आप सुनिए एक सेकंड रुकिए, ये गाना सुना आपने? हाँ सुना है, सुना। इसमें देखिए, इसमें जो इसका क्या मतलब, स्पेलिंग क्या होगा, अर्थ क्या होगा? अब तुम हद से आगे बढ़, हद से आगे बढ़। नहीं एक सेकंड दोबारा तूने मुझे फोन करके ना। अच्छा ठीक है, ये तो बता इसमें कुकु कितना है, छोटा कु बड़ा कु? भाई दीपक ने आज फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कहते रौनक भाई जब बाप के जूते बेटे के पैर में आने लगे तो बाप बेटे का रिश्ता दोस्ती में बदल जाता है। अब इसी में बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकल। हाँ, अगर आपकी घड़ी में हाँ 13 बज गए हैं। अच्छा, 1:13। अच्छा, तो ये किस चीज का टाइम है? अरे बताएगा जल्दी कि कौन सा टाइम? ये टाइम है नई घड़ी लेने का। अबे तेरी मजे ले ले मजे। और मजे पापा अंकल, क्या कर रहे हैं? हेलो हेलो, मेरे पापा है ब्यूटीफुल डेड 100 वियर्ड। क्या मतलब इसका? पापा अंकिल आप ही बताइए। सुंदर लाल चड्ढा। सुंदर लाल चड्ढा मार दे मेरे को बेटा। नहीं तो और क्या करूं? क्यों मार दे? क्यों मार रहे हो? बैंक नहीं गया ना ये? अरे बैंक क्यों नहीं गया? मैं बताता हूँ, मैंने आज को सपना देखा था कि एक लड़की ने मेरी जूती से पिटाई करी, इसलिए मैं बैंक नहीं गया डर के। अबे सपने और तेरे बैंक का क्या सपने? बैंक का यही तो लाइन है कि हम आपके सपने साकार करते हैं। अबे तेरे सपने ले ले ले, आया समझ में? समझ में कटी है सुबह सुबह दिमाग का दिमाग नहीं। एक सेकंड पापा, ये मक्खन लाए आप? नहीं, इसको मैं खिड़की से फेंक रहा हूँ। बेगैरत ना, मैं फेंक रहा हूँ। अरे हर रोज मक्खन की टिकिया बाहर फेंक दे यार ये। अरे क्यों फेंक के मक्खन की टिक्की? सुंदर लाल चड्ढा जी, मुझे ए तमीज से बात कर। हाँ, बाप है मेरा, चड्ढे मुंह के भी बनाए हमने। खुद हंसी रहे, हम लोग तीसरी मंजिल पे रहते हैं। अच्छा, और मक्खन अगर फेंकूंगा और मक्खन अगर उड़ गया तो पता है वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? बटरफ्लाई। ये देख ये देख, पापा गंदी बात बोल रहे। कोई नहीं, चड्ढे का नाड़ा खस दूंगा इसके। इधर इधर मेरे पास, इधर गाली दे रहा है। ताजमहल कितने है, कभी गया है ताजमहल? ताजमहल पता नहीं कहाँ है। कभी जाया करो मम्मी के साथ बाहर घूमने? कहाँ है? आगरा में। आगरा में? और आपको पता है रामलाल कौन है? कौन है? कभी मम्मी के साथ घर में जा करो, पता लगेगा। क्या करूँ मैं बेटे? एक मिनट बोल यार, मार दे मेरे बाप। रोमत दोस्त मैं तेरा, और हमसे बात कर। दोनों पिटोगे? दोनों दोस्त समझू? दोस्त समझ, उदास मत हो। बात कर, उदास क्यों है? दोस्त समझू ना? हाँ दोस्त समझ। तेरी भाभी नाड़ा चल रही है। काम करेगा अपने बाप को कह रहा, तेरी भाभी नाराज चल रही है साले। उसने बोले दोस्त समझ। अबे वो सुंदर वाली चट्टा तू गंदा।
सूर्यांश कह रहे थे रौनक भाई। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।